भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। मनु ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। मनु की इस सफलता पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश झूम उठा। एथलीट मनु भाकर ने ओलंपिक में पहले मेडल से खाता खोल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। 221.7 के स्कोर के साथ वो अपने नाम मेडल करने में कामयाब रही। मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे नंबर पर रही थी। वो शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है। गोल्ड और सिल्वर मेडल दक्षिण कोरिया की झोली में गया। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन जहां दिग्गज शूटर कमाल नहीं कर पाए थे, तो वहीं मनु भाकर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर के घर पर खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी बेटी की उपलब्धि पर गदगद है। मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊँ। जब वो शूटिंग को लेके उदास होती है तब मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उसे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है। और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मनु भाकर को बधाई। ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। सीएम योगी ने भी पदक जीतने पर बधाई दी है। हम हर एक हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा खुशी है एक मेडल के साथ। और मुझे खास करके एक महिला होने के नाते, मैं हमेशा सोचती थी कि 20 साल हो गए मैं लास्ट ओलंपिक फाइनल्स के बाद, क्यों कोई आ नहीं सका है। तो मनु ने उसको फाइनल्स में ही नहीं बल्कि मेडल लाया है उसने, तो इससे एक पूरा एक आउटलुक चेंज हो जाता है। एंड इट्स ह्यूज। Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. Maybe in shooting or other sports, but many more. टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर की पिस्तौल खराब होने की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन इसी के साथ अब मनु ने शूटिंग में भारत के मेडल के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। निशानेबाज मनु भाकर से पीएम मोदी ने फोन पर बात की है और उन्हें जीत की बधाई दी है। खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हो। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर।
मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने इन सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना अच्छा है उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी इसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश है सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब बिजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, घर पर बात हुई है आराम से जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नमस्ते सर। उधर निशानेबाजी में भारत को मिले पहले पदक को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कितना अविश्वसनीय पल है, हमारी सबसे कम उम्र की महिला निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक के साथ भारत की शुरुआत की है। बधाई हो मनु भाकर, ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतने वाली पहली भारतीय महिला, और ऐसा करने वाली हमारी सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज के रूप में आपने इतिहास रच दिया है। बीते साल चीन में हुए एशियाई गेम्स में भाला फेंक कर देश को गोल्ड दिलाने वाली मेरठ की अन्नु रानी इस बार पेरिस में ओलंपिक गेम्स में प्रतिभाग कर रही हैं। कभी पैसे के अभाव में बांस या गन्ना फेंक कर अभ्यास करने वाली अनु से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। अनु के पिता अमरपाल सिंह ने विश्वास जताया है कि अनु गोल्ड मेडल जीतकर घर लाएगी। अब एक ही गन्ने का देखा जो जालिन टूट जाए टूटते रहे, उसे भाले गन्ने से बना के फेंकने लगी, वो तो प्रैक्टिस करनी थी, भाले से कर लिया, गन्ने से कर लो, प्रैक्टिस तो करनी थी। फिर ये कहती हूँ कि वे गोल्ड मेडल लेके आवे, अच्छी तरह से खुशी से आवे, अपनी खुशी मनाते आवे, यहाँ भी सब खुशी मनावे। कभी भी कंपटीशन में मतलब जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं प्रेशर, नर्वस हो प्रेशर में आते हैं, उसका मैंने देखा है वो कभी प्रेशर में नहीं आई कभी। अच्छा। मैंने बड़े बड़े टूर्नामेंट देखे हैं उसके, एशियन गेम्स भी देखा, देखा उसके किस तरह से खेल रही थी वो उस दिन उसका दिन है, पता नहीं उस दिन क्या होता है, देखो अगर वो अपना बेस्ट करती है तो पक्का श्योर मेडल लेकर आएगी। अनु का तो कोई प्रेशर का मतलब नहीं, उसने तो मुझे लगा है, मैंने उसको तो बचपन से ही देखा, वो उस टाइम 8वीं क्लास में थी जब मैं पहली बार उसको एक टूर्नामेंट खिलाने ले गया था। अच्छा। उसकी ट्रेनिंग भी नहीं थी, उसमें भी वो मेडल लेकर आ गई थी उसमें। अच्छा। ऐसे ही हस्ती खेलते चले गए थे। मेरठ के इकलौता गांव के किसान की बेटी पारुल चौधरी से फिर एक बार देश को उम्मीदें हैं पदक की, और एशियाई खेल 2022 में इकलौता गांव की बेटी पारुल ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर दो दो मेडल देश के नाम किए थे। अब पारुल से ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद है। पारुल चौधरी के परिजनों ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है उनकी बेटी एक बार फिर गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम दुनिया में रोशन करेगी। पारुल का संघर्ष तो बहुत
जबरदस्त रहा जी, उसने बड़ी मेहनत करी है और उसने बड़ी उसका उत्साह था, जो एक छोटे से गांव से कच्ची पक्की सड़कों से मेरठ जाना, मेरठ से आना, फिर कॉलेज में जाना मेरठ कॉलेज में, फिर वहाँ से आना, फिर शाम को जाना, तो उसके जीवन का काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा। निकली हुई बेटी आज इतने मुकाम पर पहुंची है, बच्ची की मेहनत है। और हम भी यही समझाते रहे बेटे, देखो ये हार जीत तो चलती रहती है, हारते भी हैं जीतते भी हैं, ये तो गेम है। सभी बच्चे मेहनत करके जाते हैं, सभी ये सोचते हैं हमारा मेडल आए, तो हम तो यही समझाते हैं बेटे अपना मेहनत करो, अच्छे से करो और मेहनत सफल होगी। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी भी पेरिस में अपना इम्तिहान देने जा रही हैं। प्रियंका दूसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। वहीं 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में देश की नंबर 1, एशिया की नंबर 3 पर और दुनिया की 30वें नंबर की एथलीट हैं। प्रियंका के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की वजह से उनकी आज भी पहचान है। प्रियंका ने कहा था मेहनत पूरी कर रही पापा, में बड़ा अच्छा खेल चल रहा है, वैसे उम्मीद है मुझे मेडल आएगा। हाँ जी, उनके आशीर्वाद है, सब उनका आशीर्वाद बना रहा था, अपना भी कर देंगे काम को। अच्छा, हाँ जी, मेडल तो वही लावेंगे, बच्चा थोड़े मेडल लावेगा, भगवान लाते हैं मेडल। तो प्रियंका के बारे में बताइए, वो बाल गोपाल को कितना मानती है, जहाँ भी खेलने जाती है अपने बाल गोपाल को साथ रखती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मानती है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा मानती है, उसकी माँ ने मकान वृंदावन में बना लिया, इसलिए वहीं रहती है। अच्छा, हाँ जी, माँ वृंदावन में रहती हैं और बांके बिहारी की पुजारी हैं और बांके बिहारी ही कृपा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी इवेंट्स प्रियंका ने जो है खेले हैं वो अपने बाल गोपाल को साथ ही रखती हैं। पहले बाल गोपाल की तस्वीर यही रहती थी, पहले यही रखती थी घर पर, लेकिन अब जहाँ भी खेलने जाती हैं उनको साथ लेकर के जाती हैं? हाँ जी, साथ लेकर जाती है अपने। अच्छा, अपने साथ रखती है। एक बार जब ओलंपिक खेलने गई वह, तो भगवान जी उसके वहीं रह गए। टोक्यो में गई थी? हाँ जी। अच्छा, टीम आई, आगे बढ़ गई टीम, तो कह ली मेरे तो भगवान जी रह गए। हाँ। तुम जाओ, मैं जा रही। अच्छा। मतलब अपने भगवान जी को लेके जब आऊंगी, फिर भगवान जी को लेने गए कोई। हाँ। कोई गया वहां से, जो भगवान जी को लेकर आए, जब लेकर आई वहाँ। इस बार मुझे, हाँ मतलब सबको उम्मीद है कि वो मेडल लेकर आएंगी, विच कलर इट वुड बी आई डोंट नो, लेकिन वो मेडल पक्का लेकर आएंगी इस बार। उम्मीद करते हैं कि गोल्ड ही लेकर के आए और सुनहरा रंग ही देशवासियों को समर्पित मिले, लेकिन मेडल पक्का लेकर आएंगी। ये मतलब आपका